सी क्वेश्चन नंबर 76। इन क्वेश्चन नंबर 76 वैन डेर वाल कांस्टेंट ए इज गिवन फॉर फोर गैसेस अमोनिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड सीओ टू। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोस्ट इजी लिक्विफाई। एज वी नो इज ऑफ लिक्विफिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू वैन डेर वाल कांस्टेंट ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैन डेर वाल कांस्टेंट बी। द गैस विच हैज हायर वैल्यू ऑफ वैन डेर वाल कांस्टेंट ए मीन्स इजिली लिक्विफाई। सो क्वेश्चन नंबर 76 आउट ऑफ दीज फोर गैसेज अमोनिया हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वैन डेर वाल कांस्टेंट ए। सो अमोनिया विल लिक्विफाई फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 76 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 77 सी। क्वेश्चन नंबर 77 इन क्वेश्चन नंबर 77 गैसेज प्रोसेसेस क्रिटिकल टेम्परेचर। सो हेयर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैसेज इज गिवन। एज वी नो दैट क्रिटिकल टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ लिक्विफिकेशन एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू ए बाई वी। हायर क्रिटिकल टेम्परेचर इजिली गैस विल बी लिक्विफाई। वी हैव टू अरेंज द फॉलोइंग गैस इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ दीज गैसेज स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्डर विच गैस इज लिक्विफाई फर्स्ट। सो हाइएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर इज फॉर O2 गैस। सो O2 विल लिक्विफाई फर्स्ट एंड देन N2 देन H2 एंड देन हीलियम। सो हाइएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर विल लिक्विफाई फर्स्ट। द क्वेश्चन नंबर 78 सी। क्वेश्चन नंबर 78 इन क्वेश्चन नंबर 78 वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। यस We can say that vapor pressure is increased with increase in temperature. But at boiling point, formation of vapors becomes constant. So vapor pressure increases with temperature, लेकिन up to which point? Up to boiling point. So question number 78, option number B is correct. ऑप्शन नंबर बी अप टू बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 78 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 79 सी। इन क्वेश्चन नंबर 79 द सरफेस टेम्परेचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज मैक्सिमम। एज वी नो दैट सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। सरफेस टेंशन इज बेसिकली ए प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड। इट इज बेसिकली ए प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड सरफेस टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। एज इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। सो Due to extensive intermolecular hydrogen bonding, in case of water molecule, water has maximum surface tension. Hydrogen bonding is also present in methanol and ethanol, but there is extent of hydrogen bonding is more in case of water molecules. Therefore, water has maximum surface tension. So, question number 79, option A is correct. Now, question number 80. See, in question number 80, again, question of surface tension. As we know, surface tension is proportional to intermolecular force of attraction. And intermolecular force of attraction, highest in case of water molecule, then in case of alcohol, and then in case of normal alkane. Then in case of normal alkane, because in case of water hydrogen bonding is present, in alcohol also hydrogen bonding is present, but extent of hydrogen bonding is more in case of water than alcohol. While in case of alkane, weak van der Waal force of attraction is present. Therefore, water has maximum surface tension, then alcohol, and then normal alkane. So
ऑर्डर इज वाटर एल्कोहल देन हेक्सेन. सो क्वेश्चन नंबर 80 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 81. सी क्वेश्चन नंबर 81. इन क्वेश्चन नंबर 81 अ क्लोज फ्लास्क कंटेन्स वाटर इन ऑल थ्री स्टेट सॉलिड लिक्विड एंड गैस एट जीरो डिग्री सेल्सियस. इन दिस सिचुएशन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल बी मैक्सिमम इन विच फेज. एज वी नो दैट देर इज मैक्सिमम रैंडमनेस इन केस ऑफ गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट. सो दीज मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड विद ईच अदर. हैंस ड्यू टू कॉलिजन इन गैसियस स्टेट देर विल बी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. सो क्वेश्चन नंबर 81 द एवरेज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इन केस ऑफ वेपर स्टेट. सो क्वेश्चन नंबर 81 ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 82. सी इन क्वेश्चन नंबर 82 अ गैस इन एन ओपन कंटेनर इज हीटेड फ्रॉम अ गैस इन अ ओपन कंटेनर इज हीटेड फ्रॉम टेम्परेचर दिस टू दिस. क्वेश्चन नंबर 82. एज वी नो दैट कंडीशन ऑफ ओपन कंटेनर इन केस ऑफ ओपन कंटेनर N1 into T1 is same as N2 into T2. Let N1 is N. And temperature T1 given here how much? T1 is 27 degree Celsius means 300 Kelvin. And T2 given there is how much? 127 means 400 Kelvin. Now apply the equation. N into 300 equal to N2 into 400. So it comes out N2 by N1. N2 by N1 equal to 4 by N2 by N1 equal to 3 by 4. And the question is the fraction of original amount. The fraction original amount is this N1. The fraction of original amount of the gas remaining in the container is 3:4. So question number 82 option A is correct. Now question number 83. Question number 83. See question number 83. A J type of tube is given. Alphabetical J type of tube is given. So question number 83. In this question, volume is also given. V1 in J tube is 2.4 ml. And at a pressure of 1 atm. So P1 is also given 1 atm. And 1 atm is how much? 760 mm of Hg pressure. On addition of mercury. When mercury is added, the volume of air is reduced to 1.9. It means V2 becomes, after addition of mercury, 1.9 ml. Find the difference in the level of the mercury. So difference in the level of mercury is basically the difference in their pressure. Difference in their pressure after addition of mercury. As P1 known, V1 known, V2 known, we can apply the equation P1 V1 equal to P2 V2. So P1 is 760, V1 is 2.4 ml and P2 is 7. P1 is 760, P2 we have to calculate and V2 is 1.9. So P2 comes out here how much? 960 mm of Hg. So difference in the pressure is P2 minus P1. 960 minus 760. As this increase in pressure due to addition of mercury. So increase in pressure is basically counted for the difference in the level of mercury. So increase in pressure is 200 mm of Hg. This is the difference in the level of mercury. So question number 83, option number B is correct. Now question number 84. See in question number 84. In question number 84, two containers A and B have the same gases and pressure of A is 2 times of pressure of B and volume and temperature also double. Volume of A is 2 times of volume of B and temperature of A is 2 times of temperature of B.
then the ratio of their molecules. As we know that ratio is number of moles of A by number of moles of B equal to P of A V of A by R T of A divided by P of B V of B R into T of B. Cancel out R. It is 2 times, it is also 2 times, it is also 2 times, cancel out. So number of moles of A and B becomes 2:1. So ratio of their molecules will be also 2:1. So ratio of their molecules will be 2:1. So question number 84, option number B is correct. Correct ratio is 2:1. Now question number 85. See, in question number 85. In question number 85, 600 cc of gas volume is given and pressure is also given. So volume V1 is given 600 ml and at a pressure of P1 is given how much? 750 mm of Hg. Is compressed, volume now become 500 ml. P2 we don't know. Now at constant temperature, use the equation P1 V1 equal to P2 V2. As P1 is 750, V1 is known 600 ml, P2 and V2 is how much? V2 is 500 ml. On solving, P2 comes out here to be 900 mm. So when volume is reduced, then pressure will increase. So how much increase in pressure? From 750 to 900. So increase in pressure is P2 minus P1, that is 900 minus 750. It means 150 mm of increase in pressure. 150 mm of increase in pressure. So question number 85, option A is correct. Now question number 86. See, question number 86. As we know that when the temperature and pressure is when the temperature and volume is constant, when the temperature and volume is constant, at cylinder is fixed, so volume is constant. Also, nothing is mentioned about temperature, so temperature is also constant. So we can say that at constant volume and temperature, as equation PV equal to nRT, when volume and temperature is constant, R is also gas constant, so pressure will be proportional to number of moles. Pressure is proportional to number of moles. So we can say that partial pressure of cyclopropane to the partial pressure of which gas? O2 gas. Will be number of moles of cyclopropane upon number of moles of O2 gas. And partial pressure of cyclopropane is given in this question. How much? 170 torr. And partial pressure of O2 gas is also given here. How much? 570 torr. On solving, it comes out to be how much? 0.3. So ratio comes out to be 0.3 torr. 0.3. Number of moles of cyclopropane to the number of moles of oxygen. So question number 86, option number D is correct. Now question number 87. See question number 87. In question number 87, pressure is given. In question number 87, a mixture of a quantity of gas is collected in a graduated tube over the mercury. The volume of gas at 18 degrees Celsius. 18 degrees Celsius mein temperature in Kelvin is 291 Kelvin. And volume of gas collected is 50 ml. So V1 is also 50 ml. And the level of mercury in the tube is 100 mm above the outside mercury level. So barometer reads how much pressure? 750 torr. But actual pressure P1 is how much? Actual pressure P1 is the barometer pressure reading minus the level of mercury in the tube, that is 100. So pressure comes out to be 650. P1 is how much? 650 mm of Hg. As 1 mm of Hg is equal to 1 torr. 1 torr. Therefore 100 mm equal to 100 torr. So P1 is 650 torr, or we can say that 650 mm of Hg. 650 mm of mercury level. Now apply the condition
वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एस टी पी. एज वी नो दैट एस टी पी कंडीशन प्रेशर इज हाउ मच, 180 m, इट मीन 760 mm ऑफ एच जी. एंड टेम्परेचर इज हाउ मच, 273 केल्विन. नाउ इक्वेशन यूज P1V1 बाई T1 इक्वल टू P2V2 बाई T2. नाउ P1 प्रेशर इज हाउ मच, P1 प्रेशर इज 650 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम V1 इज 50 ml एंड T1 इज हाउ मच, 291 केल्विन. एंड P2 इज गिवन हाउ मच एट STP 760, V2 वी हैव टू कैलकुलेट एंड T2 इज हाउ मच, 273 केल्विन. ऑन सॉल्विंग V2 कम्स आउट टू बी हाउ मच, 40 ml. सो क्वेश्चन नंबर 87 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 40 ml. नाउ क्वेश्चन नंबर 88. सी क्वेश्चन नंबर 88. क्वेश्चन नंबर 88. मिक्सचर ऑफ गैसेज आर गिवन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड डेंसिटी इज ऑल्सो गिवन, मिक्सचर 1 g/ml, एंड देयर एवरेज मॉलिकुलर मास इज गिवन. एज वी नो दैट टू गैसेज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, सो देयर एवरेज मॉलिकुलर मास विल बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ N2 गैस प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 गैस इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ O2 गैस. सो एवरेज मॉलिकुलर मास इज गिवन देयर हाउ मच, 31.2. मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ N2 इज 28 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज अननोन, सो X ऑफ O2 मल्टीप्लाई बाय मॉलिकुलर मास ऑफ O2 इज नोन, दैट इज 32. ऑल्सो देर इज कंडीशन गिवन फॉर PV इक्वल टू NRT. एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन प्रेशर इज हाउ मच, 600 mm ऑफ HG, सो वी कैन सॉल्व इन ATM, 600 बाय 760 ATM. ऑल्सो नथिंग मैंशन अबाउट नंबर ऑफ मोल्स, सो N टेक नंबर ऑफ मोल्स इज 1. एज वी अप्लाई PV इक्वल टू N इंटू RT. सो वॉल्यूम हेयर कम्स आउट टू बी N इंटू R इंटू T बाय P. नंबर मोल्स इज 1 एंड गैस कॉन्स्टेंट इज 1/12 एज 0.0821 इक्वल टू 1/12. एंड टेम्परेचर इज मैंशनड हेयर हाउ मच, 27 degree Celsius मीन 300 केल्विन. टेम्परेचर इज 300 केल्विन. नाउ ऑन सॉल्विंग द वैल्यू एंड प्रेशर इज गिवन हाउ मच, 600 बाय 760. सो वॉल्यूम हेयर कम्स आउट टू बी 31.2 लीटर. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस मिक्सचर. नाउ डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर इज ऑल्सो गिवन, एज डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर इज मास बाय वॉल्यूम. नाउ वी कैन कैलकुलेट द मास इज डेंसिटी इन टू वॉल्यूम. एज डेंसिटी इज गिवन 1 एंड वॉल्यूम इज 31.2, सो मास इज 31.2 g. सो मास ऑफ मिक्सचर इज 31.2 g. ऑल्सो मॉलिकुलर मास इज गिवन 31.2. एवरेज मॉलिकुलर मास इज हाउ मच, 31.2. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर इज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर इट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास, दैट इज 31.2 डिवाइड बाय 31.2. इट इज इक्वल टू 1. 31.2 डिवाइड बाय 31.2 इट इज इक्वल टू 1. सो वी कैन से दैट मोल फ्रैक्शन सम, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज इक्वल टू 1. एंड द फर्स्ट इक्वेशन इज 31.2. फर्स्ट इक्वेशन इज 31.2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू, सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. ऑल्सो वेरिएबल देयर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2. एंड इन द सेकेंड इक्वेशन ऑल्सो वेरिएबल टर्म्स आर XN2 एंड XO2. ऑन सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कम्स आउट टू बी 0.2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज 0.8. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन दिस मिक्सचर इज हाउ मच, 0.2. सो क्वेश्चन नंबर 88 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 89. सी इन क्वेश्चन नंबर 89 इन क्वेश्चन नंबर 89 वैन डर वाल इक्वेशन फॉर द स्टेट ऑफ नॉन आइडियल गैस द टर्म दैट अकाउंट्स फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्स. एज वी नो वैन डर वाल इक्वेशन इज P+A/V² V-B इक्वल टू RT फॉर 1 mole ऑफ गैस. इन दिस इक्वेशन
वैन डर वाल कॉन्स्टेंट ए अकाउंट्स फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो दिस टर्म पी प्लस ए बाई बी स्क्वायर अकाउंट्स फॉर विच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो क्वेश्चन नंबर 89 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 90. सी क्वेश्चन नंबर 90. एट व्हाट टेम्परेचर विल द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 0.3 मोल ऑफ हीलियम एट द बी द सेम एज द टोटल काइनेटिक ऑफ आर्गन एट 400 केल्विन. एज वी नो एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मोल इक्वल टू 3/2 RT. While average kinetic energy for n moles equal to 3/2 n into r into t, and average kinetic energy for helium gas and average kinetic energy of argon gas is equal, and temperature of average kinetic energy of argon gas is given, we have to calculate the temperature for helium gas. So 3/2 number of moles of helium gas is given 0.3 into R into temperature we have to calculate. 3/2 number of moles for argon is given 0.4 into R and temperature given argon at 400 Kelvin. Cancel out 3/2 R, 3/2 R 0.3. So temperature here comes out to be 1600/3. It is equivalent to 533 Kelvin. So at temperature of 533 Kelvin, the average kinetic energy of helium and argon are equal. So question number 90, option number A is correct.